रसन भाभी आप मत जाइए घर। आतिफ भाई ने अभी बोला ना कि छोटी को आराम की जरूरत है, आप जाएंगे तो उसके आराम में खलल पड़ेगा, तो आराम ठीक से होगा नहीं, है ना आतिफ भाई? सही बात है। रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, आप क्या है कि आज की रात क्या माधवी भाभी के घर पे सो जाइए। वैसे भी आप तो कल सुबह आने वाले थे, तो आप कल सुबह ही अपने घर में जाना, तब तक के छोटी भी आ जाएगा। आ जाएगा मतलब? दर्द दर्द से बाहर आ जाएगा ऐसा कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको आराम ही करने दूंगी, लेकिन जब तक मैं रोशन को देख नहीं लूंगी ना, मेरे मन को चैन नहीं पड़ेगा। मैं उसको जस्ट देख कर आती हूँ। हाँ प्लीज रोशन भाभी, एक मिनट रोशन भाभी, आप खामा का टेंशन ले रहे हैं, छोटी को इतना कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, मामूली सा पेट दर्द है। ओ आतिफ भाई ने इंजेक्शन दे दिया है फटाफट ऐसा करके, तो अभी आराम से सो रहे हैं वो, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप इतना लंबा सफर करके आए हैं तो बैठे आप बैठे और खीर फ्रेश कटोरी में जरा कटोरी लो, खीर खाइए आराम से बैठिए। बेटा भाई रोशन बीमार है और मैं खीर खाऊं? अरे आप ही कह रहे थे ना कि छोटी को खीर बहुत पसंद है, तो वो नहीं खा पाया आज, तो आप खा लीजिए उसकी जगह। नहीं मुझे खीर नहीं खाना, मुझे जाके रोशन को देखना है। अरे क्या देखना है रोशन भाभी, शादी के इतने सालों से तो आप सोटी को देखते आए है ना, तो अभी चंद घंटे नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा। ये क्या, अरे रोशन बेटी को घर जाना है तो जाने देना, उसे चिंता तो होगी ना। आज तो वरी। हाँ नहीं नहीं बराबर है, लेकिन मैं तो छोटी का सोच के बोल रहा था बापू जी, क्या उसको एक सड़ंग बिना डिस्टर्ब नींद मिल जाए तो अच्छा है ना, रोशन बापू को सुबह छोटी एकदम फ्रेश तरोताजा मिलेगा, इसलिए बोल रहा था मैं, है ना आतिफ भाई? हाँ सही बात है। चेटा भाई मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन एक बार मुझे उसको देखना है, मैं बस अब भी आती हूँ। मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोग उधर जाके बेल बजाएंगे टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग, तो उसकी आवाज से छोटी उठ जाएगा ना, उसका डिस्टर्ब होगा, उसका आराम ठीक से नहीं होगा। आतिफ भाई बोलिए ना कुछ, आप बोल कुछ नहीं रहे। सही बात है, छोटी को आराम की जरूरत है। कोमल हम चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। नहीं 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 आतिफ भाई नहीं, अभी आप जा नहीं सकते, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। जनरल मैं क्या बोलता है कि हम लोग बैल नहीं बजा सकते, लेकिन रिंग तो बजा सकते हैं ना। यार बैल बजाए रिंग बजाए बात तो एक ही है ना, आवाज तो आएगा ही ना। जनरल बैल मतलब रिंग कैसे हो सकता है, बैल डोर का होता है और रिंग फोन का होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम डोर बेल नहीं बजा सकते, लेकिन पोपटलाल को फोन करके ये तो बोल सकता है दरवाजा खोलने के लिए। हाँ। हमने अभी भी तो पोपट भाई से बात की थी। हाँ मैं फोन करता हूँ पोपटलाल को। हाँ। हाँ। यार भाई भी ना आइडिया दिया बिना रह गए थे, भगवान क्या करूँ। क्या फोन नहीं उठा रहा है वो? हो सकता है पोपटलाल ने फोन साइलेंट पर रखकर सो गया हो। हाँ, quite possible. ये पर पोपट भाई मेरे घर पे है ना, मैं जस्ट जाके एक वक्त रोशन को देख कर आती हूँ। हाँ अभी जाओ बगा सावकाश, तना मानो पैनिक हूँ ना, कहा तना भक्त पोर्ट गेम कहा है। फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया मैं।
ओ जडेलन क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इधर पिटके हुए मैंगो के जैसा क्यों हो गया? एनी टेंशन? हाँ क्या टेंशन? ये सूटी था बापू जी, वो बेचारा सो रहा है आराम से, लेकिन ये लेडी लोग समझ ही नहीं रहे, उसको आराम नहीं मिलेगा ना ठीक से। ठीक है ना जेठाला, उसको सिर्फ पेट दर्द हुआ है, तुम क्या इतना बोल रहे हो? भगवान, अभी रोशन भाभी बेल बजाएंगे और पर्दा फास्ट हो जाएगा। वैसे सोडी भाई को पेट में दर्द बहुत था रोशन भाभी, मैंने तो सूखी अदरक भी खिलाई थी, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अरे क्या हो गया मेरे रोशन को? रोशन भाभी काम डाउन, आप टेंशन मत लीजिए। अरे घर की चाबी तो है ही नहीं। अरे सोडी भाई उठ जाएंगे, ना बोला है ना बेल बजाने को। अरे अभी उठे तो उठे, मुझे रोशन की बहुत चिंता हो रही है। रोशन, रोशन, पोपट भाई, पोपट बाबूजी, पोपट भाई, सॉरी भाई, ये लोग तो सो रहे हैं। एक मिनट, मेरे पास आपकी चाबी है ना, एक्स्ट्रा चाबी, हाँ। मैं लेकर आती हूँ। चाबी क्या? प्लीज जल्दी लेने आओ। अरे यहाँ से वहाँ चक्कर क्या काट रहा है? बैठ जा। आहो, आहो, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। कहाँ से खोलेंगे? क्या? हाँ हाँ। अरे इंजेक्शन तो सोडी को मारा है ना, पोपट तो दरवाजा खोल ही सकता है ना। आप ही कह रहे थे ना बापू जी, पोपटलाल प्रेस से सीधा इधर आया था, तो वो भी पूरा दिन का थका हारा होगा, तो वो भी गहरी नींद में सो रहा होगा, इसलिए दोनों को नहीं सुनाई देगी डोरबेल। मैं तो कहता हूँ दोनों को जगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई सो रहा है शांति से तो सोने दो ना भाई। सही बात है। क्या है जडेलाल कुछ भी बोलता है? अरे रोशन भाभी तो अपने घर में जाएगा ना। हाँ इसलिए मैं उनके घर की चाबी लेने आई हूँ। हाँ हाँ बरोबर, तो हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है ना, तो मैं भी जाके देखता हूँ ना माजरा क्या। मैं भी आता हूँ। हाँ आइए मैं भी आता हूँ। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो तुम्हारी कारस्तानी की अंतिम यात्रा निकलने वाली है ना जेठालाल, उसको कांधा देने जा रहा हूँ। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते मेहता साहब, कुछ कीजिए प्लीज। हाँ मेहता साहब कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं कर सकता मैं, क्या करूँ मैं अलादीन का चिराग हूँ, घिसेंगे तो जिन्न बाहर आ जाएगा, ऐसे मुझ में से आइडियाज बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता अभी। और तुमने ये जो सोडी के पेट दर्द का नाटक का विमान उड़ाया है ना जेठालाल, इसके पंख अब टूट चुके हैं, इंजन फेल हो चुके हैं और ये क्रैश होने वाला है। जेठा भाई आपकी वजह से तो मैं भी फंस गया हूँ। आते भाई छोटी पार्टी शार्टी करने जाए, उसमें मेरा पर्सनल कोई फायदा थोड़ी होने वाला था, मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। तो दोस्ती निभाने में कोई इतना थर्ड क्लास आइडिया देता है जेठालाल? मेरा आइडिया थर्ड क्लास नहीं है मेहता साहब, मेरा आइडिया फर्स्ट क्लास ही है, और मेरे आइडिया की वजह से ही छोटी और पोपटलाल अभी वहाँ पार्टी शार्टी कर रहे है। वो तो रोशन भाभी कल सुबह की जगह अभी आ गई, उसमें सब गड़बड़ हो गई, और मुझे तो अभी भी पूरा यकीन है कि रोशन भाभी अपने आप आई नहीं है, मेरा आइडिया फेल करने के लिए उनको खास उदवाड़ा से मंगाया गया है। एक मिनट, किसने किसने मंगाया उन्हें, किसने बुलाया? आप समझदार है समझ जाओ कौन है मेरा हितैषु। जेठालाल ये मुझ पे शक करना तुम छोड़ो, अभी सब लोग हम पे शक कर रहे होंगे कि हम तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं है। आप लोग जाइए मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं नहीं मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते मेहता साहब। नहीं मैं जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जा सकता भाई, मैं समझदार हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए कि रोशन भाभी को किसने बुलाया, हितैषु कौन है, तो मैं क्यों रुकूं भाई, मैं जा रहा हूँ। यार आप भी ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं भाई, आपने मेरे आइडिया को कितनी बार थर्ड क्लास बोला, कितनी बार बोला, लेकिन मैंने बुरा लगाया नहीं। अरे तो थर्ड क्लास आइडिया को थर्ड क्लास ही बोलूंगा ना भाई, सुनना पड़ेगा। क्या याद नहीं आ रहा है कि सोडी के घर की चाबी कहाँ रखी? माधवी गलती से मेहता साहब के घर की चाबी लेके गई थी। याद आया, रॉबर्ट में ही होनी चाहिए। ये रही। चलो
हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता। अभी तो सोडी के घर की चाबी मिल गई है, दरवाजा खुलते ही पता चल जाएगा अंदर सोडी नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। कहाँ तक भागोगे जेठालाल? चलो सच्चाई का सामना करो। नहीं नहीं, नहीं मैं तो सपने, मुझे नहीं करना। अरे चलो भाई, मैं हूँ ना, चलो चलो। नहीं नहीं, मेहता साहब वहाँ बापू जी है। चलो जेठा भाई जाइए, मेहता साहब है ना। अरे नहीं नहीं, मैं मेरी क्या जरूरत है। अरे अरे जेठा भाई, जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे कब तक भागोगे सच्चाई से? मुझे ना रोशन ने जॉइन आवी छू। हाँ रोशन। क्या हुआ रोशन भाभी? अंदर तो कोई नहीं। अंदर कोई नहीं है तो ये दोनों गए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी के पेट में दर्द बढ़ गया हो तो पोपट लाल उसे हॉस्पिटल ले गया हो? नहीं। क्या जयदलाल क्या बात करता है? जब डॉक्टर आते यहाँ पर है तो पोपट लाल सोडी को लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में कैसे जा सकता है? हाँ? हाँ? नहीं, वो पोपट लाल को हम सब की चिंता हुई हो शायद कि हमें बताएगा तो हम सब छोटी की चिंता करेंगे, इसलिए शायद उसने हमें बताना उचित नहीं समझा और सीधा ही सोडी को हॉस्पिटल ले गया हो। हैं मेहता साहब? नहीं नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में जेठालाल। संभावना तुमने व्यक्त की है, अनुमान तुम्हारा है, और वैसे भी मैं पोपटलाल के दिमाग को इस तरह से नहीं जानता कि वो किस परिस्थिति में किस तरह से अपनी भावना व्यक्त करेगा। क्या कुछ तो मदद किया। मैंने तो हॉस्पिटल ने नाम ठीक घबरामन थाई छे। रोशन को इतना जास्ती पेट दर्द हो रहा था क्या? अरे रोशन भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। जेठालाल क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई। अरे पोपटलाल को जरा सा जुकाम भी होता है ना तो पूरी सोसाइटी को बताता है। वो हमें बताए बगैर सोडी को अस्पताल लेके जा ही नहीं सकता। रोशन बेटा तू एक काम कर, तू सोडी को फोन कर। और स्पीकर पर रखना, पता चले वो कहां पे। हाँ, हाँ। अरे बाप रे, छोटी फोन उठाएगा तो भी तपलिक, नहीं उठाएगा तो भी तपलिक। हेलो रोशन डार्लिंग। रोशन किधर है तू? मैं घर पे हूँ यार। घर पे? किसके घर पे यार? ये कैसा सवाल है? इतनी रात को कहाँ आऊंगा मैं? अपने घर पर। अपने घर पे? मुझे लगा तू माधवी भाभी के घर पे है। नहीं नहीं, अपने घर पर ही हूँ सोनिया। रोशन भाभी, उसको मत बताना कि आप यहाँ पे पहुंच गए हो। हेलो हेलो रोशन डार्लिंग। हाँ रोशन, बोल बोल बोल। रोशन डार्लिंग तू कितने है? मैं उड़वारा में ही हूँ। सूट है यू रोशन? सोनिए कुछ नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द हो गया, तो टेंशन मत ले। हाथी भाई ने इंजेक्शन लगा दिया है। अभी पहले से ठीक है। पहले बहुत दर्द हो रहा था पर हाथी भाई ने इंजेक्शन दिया ना तो अब ठीक है। अब मैं सो जाऊंगा सोनिया। अच्छा, हाथी भाई ने नींद का इंजेक्शन दिया है तभी तुझे नींद आ रही है ना? हाँ बहुत नींद आ रही है यार। जेठालाल तैयार हो जाओ, अब तुम्हें इंजेक्शन लगने वाला है। डॉक्टर चंपकलाल गड़ा लगाएंगे इंजेक्शन। तू टेंशन मत ले, इंजेक्शन लग गया है ना
तो तू जब तक द्वारा से आएगी मैं ठीक हो जाऊंगा। वो क्या है ना, पोपो भी मेरे साथ है, वो बहुत अच्छे ढंग से मेरा ध्यान रख रहा है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है सोनिया। अच्छा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है? हाँ, हाथी भाई ने इंजेक्शन दिया ना तो उससे काफी आराम है, पर बहुत नींद आ रही है, कुछ चिंता ना कर। ओके, अपना ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। ओके बाय, लव यू। हाँ लव यू, बाय। लव यू शव यू, क्या बात है। ओ बढ़िया मेरी, चलो चलो करो। रोशन सिंह सोडी आज तो पौ मुट्टू रंग कांठे से। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोल रहा है ये सोडी ना। चाचा जी सिर्फ सोडी नहीं, ये पोपड़लाल भी झूठ बोल रहा है। मुझे पक्का पक्का यकीन है कि रोशन किडर पार्टी शार्टी करने गया है। तभी तभी उस दिन प्रॉमिस नहीं कर रहा था। लेकिन सोडी भाई के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो पार्टी शार्टी करने कैसे जा सकते हैं? अरे माधवी कितनी कब होई तू, अभी तक नहीं समझी, वो एक्टिंग कर रहा था। हाथीड़ा एक बात बता, तूने सोडी को कौन सा इंजेक्शन दिया था? आप बोल रहे थे ना कि सोडी को अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, अभी उसे आराम की जरूरत है, आप कोई डिस्टर्ब मत करना, ऐसा बोला था ना आपने? अरे चुप क्यों है, पता कौन सा इंजेक्शन दिया था? हाँ बोलो। हाँ वो जेठा भाई, मैंने कौन सा इंजेक्शन दिया था? अरे समझ गया, सब समझ गया, ये सब तुम तीनों की मिली भगत है। अरे बराबर है जेठिया? यस चाचा जी, यस, ये सब गड़बड़ घोटाला जेठालाल का ही है। दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, जेठालाल के नाटक का पर्दाफाश हो गया है, पता चल गया है कि सोढ़ी पेट दर्द का नाटक कर रहा था, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल गया है कि सोढ़ी और पोपटलाल अपने घर में नहीं है बल्कि पार्टी शार्टी करने गए हैं, और उनकी पार्टी शार्टी के नैया पार करने में सहयोगी रहे हैं जेठालाल, मैं और डॉक्टर हाथी। अब क्या होगा, अब चंपक चाचा का पारा चढ़ने वाला है, और दोस्तों आप तो जानते हैं जब चंपक चाचा का पारा चढ़ता है तो सोसाइटी में किस तरह से घमासान होता है। अब चंपक चाचा क्या जेठालाल को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये तो पता चलेगा सोमवार को, क्या करने वाले चंपक चाचा और रोशन भाभी। भाई जेठालाल की पीठ चंपक चाचा की छड़ी से बच जाएगी, इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन होगा क्या आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि यहाँ जो भी हो पार्टी शार्टी की इस कहानी में जितने भी ट्विस्ट आए, जितनी भी मार पड़े किसी भी पीठ पर, लेकिन आपके घरों में होंगे ठहाके, हंसी और खूब सारा धमाल, लेकिन सोचिए तो क्या होगा हमारा, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.